और काबिले इहतराम और तकरीमात हज़रात आइम्मा इकराम व खुतबा इज़ाम मुअज़्ज़िज़ीन इकराम और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कहते हैं कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो ये अल्लामा साहब की पूरी बातें समझ में नहीं आई, कुछ मेरी समाज का मसला और कुछ आला मुकद्दरों का मसला। ताहम मैं मौजूद की मुनासबत से चंद गुजारिश आपकी खिदमत में आलिए में पेश करूँगा। एक मरतबा मैंने डॉक्टर से खिताब कर रहा था तो मैंने कहा कि आप लोग ह्यूमन इंजीनियर हैं मगर आप मैकेनिकल और मेंटेनेंस इंजीनियर हैं। ये जो इंसान का मैकेनिज्म है, बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें कोई पुर्जा डैमेज हो जाए तो आप रिप्लेस कर लेते हैं, कुछ पे नफ्स पैदा हो जाए तो आप रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिक इंजीनियर का काम ही है कि ऑयल करना, ग्रीसिंग करना, नट बोल्ट कस के रखना, मशीनरी को फिट रखना। लेकिन जो अल्लाह के नबी हैं वो असल में प्रोडक्शन इंजीनियर होते हैं, क्योंकि अगर कारखाना है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट 100% परफॉर्म कर रहा है, ऑर्डर में रख रहा है, लेकिन अगर वो प्रोडक्टिविटी न दे तो कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला के अंबिया इकराम और रसूल इज़ाम अलैहिस्सलाम तस्लीम इसलिए तशरीफ लाए ताकि इंसानियत को ये बताएं कि बनाने वाले ने उन्हें क्यों बनाया, ताकि इंसानियत को ये बताएं कि मखलूक और खालिक में, साजिद और मस्जूद में, आबिद और माबूद में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है, वो हमसे क्या चाहता है, उसने क्यों बनाया। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने नबुव्वत और रिसालत का पूरा एक इंस्टीट्यूशन और निजाम कायम किया और फरमाया वअरसलना रुसुला, हमने निजाम रिसालत कायम किया, मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, व इंसानियत व अल्लाह के रहमत की बशारत देते हुए और उसके अज़ाब से डराते हुए गए कि अल्लाह यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसुल, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में इंसानियत के पास शिर्क पर, कुफर पर, निफाक पर, दलालत पर, फिस्क पर, फजूर पर, मासियत पर कायम रहने के लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब, कोई हुज्जत और कोई दलील बाकी न रहे। इसलिए ये निज़ाम अल्लाह ताला ने कायम फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही बताया था कि कानत बनु इसराइला रसूलुहुमुल अंबिया, के बनी इसराइल की सियासतरानी या नस्ल इज्तिमाई की तदबीर और तंजीम अंबिया इकराम अंजाम देते थे। कुल्लमा अलग नबी खलफहू नबी, एक नबी पर्दा फरमा लेता तो दूसरा नबी आकर उसे रिप्लेस करता,
मगर आपने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सैकून खुलाफा, अब निजामे उम्मत को खुलाफा या उम्मत के मुक्तदा या पेशवा आगे कंटिन्यू करेंगे और जारी रखेंगे। इसी तरह से ये भी फरमाया कि जिस तरह पिछली उम्मतों में एक नबी के जाने के बाद दीन में तहरीफ कर दी जाती, मस्क कर दिया जाता, रद्दो बदल कर दिया जाता, तो दीन को असल शक्ल में निखार कर मुजल्ला और मुसफा करके पेश करने के लिए दूसरा नबी आता, मगर आपके बाद कोई नहीं आएगा। इसलिए आपने फरमाया कि इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहि उम्मा अला रअसि कुल्लि मि'ति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा, कि अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए हर सदी के सिरे पर एक ऐसी हस्ती को मबूस फरमाएगा कि जो तजदीद व इहयाए दीन का फरीजा अंजाम देगा और जो दीन को अपनी असल शक्ल में मुसफ़ा और मुजल्ला करके कौम के सामने, उम्मत के सामने पेश करेगा, ताकि दीन मस्क ना हो जाए, दीन में तहरीफ ना हो जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल ज़ाहिरी नबवी जिंदगी के इख्तितामी अय्याम में जो बड़ा इवेंट था वो था हज्जतुल वदा का और खुतबे हज्जतुल वदा। उसमें आपने अपने मुखातबीन से, सहाबाए किराम से और कौम से पूछा कि अलाहल बल्लगतु, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम बिला अनुकास तुम तक पहुंचा नहीं दिया? सब ने एक जबान होकर इकरार किया कि बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यकीनन अल्लाह का पैगाम बिला कमोकाश हम तक पहुंचा दिया है। फिर आपने 3 मरतबा अल्लाहुम्म अशहद फरमाया कि ए अल्लाह तू गवाह रहना कि तेरे ये बंदे ये शहादत दे रहे हैं कि मैंने नबूवत के मिशन को पूरा कर दिया है। उसके बाद आपने फरमाया फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, अब ये जो नबवी मिशन है, ये जो दीनी मिशन है, ये जो विरासत नबूवत है, तो आज इस मैदान अरफात में जितने लोग मौजूद हैं ये उनकी ड्यूटी है कि ये इस पैगाम को जमाना ब जमाना, मरहला ब मरहला उन लोगों तक पहुंचा दें जो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिहाजा ये मिशन जो नबवी मिशन था वो उलमाए उम्मत को तफवीज हुआ और वो उलमाए उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ, ताकि नबुव्वत के मिशन की कंटिन्यूटी और तसलसल में कोई ब्रेक ना आए, ये जारी रहे और ता कयामत जारी रहे। लिहाजा ये जिम्मेदारी बहैसियत मजमूई उम्मत का फर्ज किफाया है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि वमा काना मुमिनून यगफिरू काफा, ये तो नहीं हो सकता कि सारे के सारे मुसलमान अपनी सनत को, तिजारत को, हिरफत को, ज़राअत को, मुलाजमत को, तमाम शोबों को छोड़कर दीन के लिए निकल खड़े हों, रिजर्व हो जाए। तो फिर मेरे रब ने फरमाया कि फलौला नफरा मिन कुल फिरकतिन मिनहुम ताइफा, तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हर कबीले, हर इलाके, हर बस्ती, हर कौम, हर गिरोह में से कुछ लोग निकलें जो अपने आप को दीन के लिए रिजर्व करें फुल टाइम विद ऑल डेडिकेशन एंड डिवोशन, क्यों? लियतफक्करू फिद दीन, ताकि वो दीन के फकीह बन जाए,
स्पेशलिस्ट बन जाएं, मुतखस्सिस बन जाएं, तो कुरान ने ये बताया कि दीन के फकीह और मुतखस्सिस बनना मिन हैसुल मजबूर ये पूरी उम्मत का फर्ज किफाया है, और ये जमात के उलमा है जो पूरी उम्मत के फर्ज किफाया को अदा कर रही है। लिहाजा आप पर अल्लाह की तरफ से और उम्मत की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और आप उलमा आप इस्लाम के स्पोक्समैन हैं, आप इस्लाम के तर्जुमान हैं, आप इस्लाम की जबान हैं। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइल के उलमा के बारे में कि अतअमुरूना अन्नास बिल वतनसौना अन्फुसकुम वअन्तुम तत्लूना अल-किताब, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो कि तुम पर भी अहकामात वैसे ही लागू होते हैं जैसे और मुसलमानों पर होते हैं। अफलाता के लोग क्या तुम नहीं जानते, तो इसलिए इब्लाग और दावत और तबलीग का पहला कदम यह है कि अमली नमूना पेश किया जाए। वो जो कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, अल्फाज का इब्लाग जो अमल का इब्लाग है वो अल्फाज के इब्लाग से ज्यादा मुअस्सर होता है। लिहाजा अगर मेरे और आपके अमल में किसी को झोल नजर आएगा तो कसूर तो हमारा होगा, लेकिन लोग बलामत दीन को करेंगे, क्योंकि आप दीन का चेहरा हैं, आप दीन की पहचान हैं, आपको देखकर लोग दीन और अहले दीन के बारे में राय कायम करेंगे। तो जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो मैं और आप दीन को डैमेज तो करेंगे लेकिन दीन को इज्जत और अजमत अदा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आजकल कल्चर है कि कोई लाउडस्पीकर को इधर धक्के दे रहा है, कोई झाग छोड़ रहा है और न जाने क्या क्या स्टाइल इख्तियार कर रहा है, कि मेरे आपा का अंदाज हिफाजत नहीं था। हदीस पाक में है कि कान कलाम रसूलुल्लाह कलामन फसलन यफहमहु कुल्लु मा समिया, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का कलाम ऐसा था कि फसलन ऐसा लगता था कि एक एक लफ्ज मोतियों की लड़ी की तरह पुराया जा रहा यफहमहु कुल्लु मन समिअहु, जो सुनता पूरे का पूरा मफहूम समझ लेता। ये नहीं था कि खिताबत की धाक बैठ जाए, ये नहीं था कि रोब जम जाए तो अदाए दिल बरी हो या नवाए आशिकाना जो दिलों को फतह कर ले वही फातेह ज़माना। तो पहली बात तो ये है कि आपकी और हमारी जिम्मेदारी धाक बैठाना नहीं है, खिताबत का दबदबा और शोबत शोबत ये दिखाना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने जो मॉडेलिटी जो मेथडोलॉजी जो तरीका जो मैकेनिज्म इब्लाग का बताया कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, कि अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ। हिकमत बहुत जामे लफ्ज है, ये साइंस भी है, ये लेगेसी भी है, ये विज़्डम भी है, ये दानाई भी है, ये फरासत भी है, ये दानिश और बीनिश भी है, कि आपने ये मौका होना चाहिए कि आप अपने मुखातिब को मुखातिब के जहन को पढ़ सकें। आपने ये मौका होना चाहिए कि जो उसका इंटेलिजेंशियल लेवल है, जो उसकी जहनी सतह है, उसका मुताला कर सकें। मुझ में और आप में ये मौका होना चाहिए कि हम उस टर्मिनोलॉजी में
उन इस्तिलाहात में, उस दौर की राय जबान में अल्लाह के दीन के पैगाम को इस दौर के इंसान तक पहुंचा सके, ताकि ये पैगाम उसके दिल के अंदर उतर सके। और ये कि हमें आज ये दौर नहीं है कि आप जबरन किसी पर बात को मुसल्लत करेंगे, आज आपको कायल करना पड़ेगा, बल्कि इससे भी बढ़कर आपको मायल करना पड़ेगा। पर मौइज़त हसना, और अगर वास करनी है तो उसमें दिलकशी हो, दिल नशीनी हो, दिल आराई हो, जो दिलों को अपनी तरफ खींचे। आप जो टांट करते हैं, जो तंस करते हैं, जो दूसरों की एहानत करते हैं और इसको अपनी फतह समझते हैं, तो उनकी फतह तो शायद मिल जाती होगी, मार्फत बन जाती होगी, लेकिन दीन को नुकसान पहुंच जाता है। वह जाबिल मिल जाती ही आसन, और अगर कहीं डिबेट करना पड़े, कहीं मुनाजरा करना पड़े, तो फरमाया कि अहसन तरीके से करो। तो कुरान तो ये कहता है कि डिबेट और मुबासा ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन है, लेकिन वो भी हिलाल अहसन। और जब दौर ऐसा आ जाए कि आवाज ही इत्तेकाल अशर से हो, तो फिर दीन का पैगाम लोगों के दिल दिमाग में कैसे उतरेगा, हम अपने फरीजे को अदा करने में कैसे कामयाब होंगे। दूसरी अहम बात यह है कि हम दीन को मिशन समझकर इखलास के साथ सीखें, इसको माश न समझें। जब आप मिशन समझेंगे तो अल्लाह ताला आपका माश भी आपके तवक्कुआत से बढ़कर आपको अता करेगा। इसलिए फरमाया कि मन तलबा इल्मन युब्तला बिही वल्लाह लिअरद मिनद दुनिया लम यरिथ रायहतल जन्ना, कि जिसने वो इल्म हासिल किया जिसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए हासिल करना चाहिए, अपनी दुनिया सजाने और बसाने के लिए हासिल किया हो, तो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। फिर आजकल किराअत होती है तो लगता है कि ये तनफ्फुस की प्रैक्टिस है, जो लंबी सांस खींच कर दोनों सूरतें मिलाकर पड़ेगा तो ये कौम कहेगी सुभान अल्लाह क्या बात करती है। लेकिन मुझे हदीस में ये नहीं मिला, अगर साहब पढ़े आ रहे हो दो ने तो फरमाया था कि इकरा कुरान बिलहून अरब, कि कुरान अरबों के लहर में और लहजे में पढ़ो, बिलहून अहले इश्क वल लोह, और तुम गाने वाले और नोहा खानों के लहजों में पढ़ कुरान को पढ़ने से बचो, इज्तनाब करो। फरमाया कि जो ऐसा करते हैं मफ्तूनतुल कुलूबुहुम, उनके दिलों को अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया है, वह कुलूबुल्लज़ीन युज़िनून शानहुम, और जो उनको सुनकर वाह वाह करते हैं उनके दिलों को भी आजमाइश में डाल दिया है। इसलिए आजकल किताबत एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट बन गया है, हज़्ज़ रूहानी का सिलसिला बन गया है। ये हम नहीं सोचते कि हमारे गुफ्तगू सुनने के बाद जो हमारी मजलिस में बैठा है वो घर क्या गायब बन जाएगा। मार्केटिंग एजेंट की एक्सपर्टीज ये होती है कि अपनी मर्जी का माल बेचे, और अगर वो लोगों की मर्जी का माल बेच रहा है तो फिर वो मिशनरी नहीं है, वो दावत भी नहीं है। अब आजकल हर मसलक के लोगों के अपने अपने तमयुज़ात हैं, तहस्सुसात हैं, मुतअक़दात के बारे में और चीज़ों के बारे में, लिहाजा वो चीज़ मार्केट में फेंकते हैं जिसकी डिमांड हो।
और इसमें खतीब या मौलवी वो भी शामिल है, और वो एक खास किस्म का तब्बा जो ऐसी मार्की पैदा करता है वो भी शामिल है। तो हमें हमें के फकीर न बनो, आपको ओरिजिनेटर होना चाहिए, आपको ट्रेंड सेटर होना चाहिए, आपको लोगों के पीछे नहीं चलना चाहिए, लोगों को अपने पीछे चलाना चाहिए। क्योंकि तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि नमाज इमाम ही इमाम को इसलिए बनाया गया है कि वो मुक्तदा बने, वो पेशवा बने, और इमाम ही मुक्तदी बन जाए तो फिर वो लीड कैसे करेगा, फिर वो क़यादत कैसे करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मसाजिद में जो लीडिंग पोजीशन है वो चौधरियों की और वडेरों की और इनकी नहीं होनी चाहिए। लीडिंग पोजीशन जो है वहां आलिम की होनी चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसने फैसला करना है कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो आजकल एक खराबी ये भी हो गई है, इसी तरह से एक हमारा इंस्टीट्यूशन श्री मुरीद बना, अब उसकी असर क्या है, जरूरत क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड कर दें तो उसमें क्या खराबी आई कि उसको मौरूसी बना दिया गया। ये बीसी साहब का बेटा तो कल उठ के बीसी नहीं बन सकता जब तक कि मेरिट हम पूरा ना हो जाए, लेकिन पीर का बेटा बगैर मेरिट के पीर बन जाता है। न जाहिर मैयार, न इल्मी मैयार, न कफले का मैयार, न किरदार का मैयार, और खास तौर पर आपके जुर्मी पंजाब से पूरे सिंध तक ये जो बीमारी है इसने भी दीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, दीन को डैमेज किया। उलमा भी सियासी मुजाहरे बन, रूहानी मुजाहरे बन गए, तो उलमा ने कलमा हक कहना छोड़ दिया। इसलिए उलमा को उठना चाहिए। लिखा है कि कभी एक फर्द तजदीदी कारनामा अंजाम देता है और कभी एक तबका तजदीदी कारनामा अंजाम देता है। आज मैं कहता हूं कि तबका उलमा और तबका खुतबा को बागडोर अपने हाथ में लेकर तजदीद दीन का काम अंजाम देना चाहिए, और मुक्तदी नहीं बनना चाहिए, मुक्तदा बनना चाहिए, ताकि दीन को असल नशर और इह्या का माहौल मिले। इसी तरह से अजीजान गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत में बयान किया कि इज्जत तो फिजल सही दवाला, जब कौम का खजाना जाती दौलत बना लिया जाए, वल अमानत मगनमा, और अमानत को माले गनीमत समझकर लूटा जाने लगे, वस ज़कात मगनमा, और ज़कात को तावान समझकर देने से इनकार कर दिया जाए, व अक्सर रजुल अबाहु व अदना शरीफा, एक शख्स बाप को दूर करे और दोस्त को करीब करे, फरमान हो जाए और बीवी का फरमान बरदार हो जाए, तो दीन और दीन हासिल किया जाए मगर दीन की सरबलंदी के लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए हासिल किया जाए और दुनिया सजाने के लिए हासिल किया जाए, तो फिर यह आफत में आफत बन जाता है। बुनियाद पर नहीं
तकवे की बुनियाद पर नहीं, किरदार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उसकी दहशत की बुनियाद पर हो, उसके खौफ की वजह से की जाए, तो फिर जो नतायज निकलने चाहिए वो निकल रहे हैं और वो हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जिस कौम में दो चार चौके शक्के लगाने वाला क्रिकेट में वो स्टार बन जाए, गविया स्टार बन जाए, रक्कास स्टार बन जाए, तो फिर वहां रक्कास ही तो पैदा होंगे ना, वहां गविये पैदा होंगे। तो हुजूर ने भी आपको स्टार दिए थे कि सहाबी कल नजूम कि मेरे असाब तुम्हारे स्टार हैं, जिसको फॉलो करोगे मंजिले हक को पालोगे। लेकिन उन स्टार को छोड़कर जब कौम इन स्टार के पीछे चलेगी तो बड़ा वक्त तो होना ही। इसलिए फरमाया हुजूर ने कि कसरत जिना पर शुरुमतुल खुमूर बदकारी नाम होगी, शराब के दौर चलेंगे। और गाना गाने वाले और आलात गिना का दौर होगा, फिर गुनाह का जलाजिला व खसकन व मस्कन व रीहन हमरा, फिर जलजले आएंगे, सूरतें बिगाड़ी जाएंगी, आंधियां चलेंगी। एक तो सूरत ऐसी बिगाड़ी जाती है कि जैसे बनी इसराइल को खिंजीर और बंदर बना दिया, और एक सूरत ऐसे बिगाड़ी जाती है कि 140 करोड़ मुसलमानों का दुनिया में कोई मकाम ही नहीं है। तो क्या ये मस्क की सूरत नहीं है? तो फिर फरमाया कि आया दिन पता हो करना से सिर्फ के दिन पता पैदल पर ऐसी निशानी आएंगी कि जैसे एक मोतियों की लड़ी टूट गई हो और एक एक करके मोती गिर रहे हो, इस तरह से आपके लिए ये सारे हालात पैदा होंगे। जैसा कि आज उम्मत मुस्लिमा के हालात हैं, खुद पाकिस्तान के हालात। फिर हमें लोग कहते रहते हैं कि मौलवी लड़ते हैं, तो आजकल मैं मीडिया वालों से कहता हूँ कि मौलवी बहुत पीछे रह गए, अब सियासतदान लड़ाई में बहुत आगे हैं। 2014 से जो अखलाक और किरदार में एक दूसरे को तर्ज तखातुम में जो बेड़ा भरत किया गया है और सोशल मीडिया पर भरत किया गया है, तो इसने जो कौम के जो किरदार को बिगाड़ा, नौजवानों के किरदार को बिगाड़ा, इस नुकसान की तलाफी आसान नहीं है। हर एक के सोशल मीडिया पर अपने लक्ष्य पाल रखे हैं। इसलिए मैंने हमजा दमजा के नाम से कॉलम लिखा था कि दीनदार लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम जो वैसे ही हराम है, अगर उसे कोई दीन का काम समझकर करता है या वो समझते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए है, तो इसमें तो ईमान का खतरा है। इसलिए अहले दीन को आला किरदार का, आला अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने अर्ज किया, मदानत के साथ, ठहराव के साथ, करार के साथ अपनी बात मुखातबीन तक पहुंचाते थे। हाँ, कभी कभी आपके चेहरे अनवर पर कभी मसरत के आसार नूरदार होते, जैसे सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, कन्हा कब्रे को आसार अवजी के आपका चेहरा खिल उठता, और कभी ऐसा होता कि साहब फरमाते कन्नमा हौसरा अलावज नई रुमान, के ऐसा लगता गुस्से में कि आपके रुखसार पर अनार में छोड़ दिए गए। लेकिन हुजूर की जिंदगी में तबस्सुम के, जहन के चंद मकामात हैं
जिन पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं, आपकी जिंदगी मदान और बवाल की जिंदगी थी। हज़रते अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस बयान करते हैं, कुंतु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउ मिन रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह के रसूल की मजलिस में बैठता तो जो कुछ सुनता मैं लिख लिया करता था, नोट्स लेता था। फिर एक दिन फिर मैंने बैठा हुआ था और मैं लिख नहीं रहा था, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लिख नहीं रहे? मुझे अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ समझदार लोगों ने बताया कि इन्न नबी बशर यतकल्लमु फिल गज़ब व रिज़ा, कि नबी बशर होता है, कभी कैफियत गैज़ गज़ब में होता है, कभी कैफियत मसर्रत में होता है, कभी जलाल में होता है, कभी जमाल में होता है। इन कैफियात में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, हर बात मत क्या करो। तो मेरे आता हूँ मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि कैफियत जलाल हो या कैफियत जमाल हो, मैं जो कुछ कहूँ वो लिख दिया करो। अपने दहने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि ला यखरुजु मिन फिया इल्ला हक, इस मुंह से किसी भी हालत में हक के सिवा कुछ जारी नहीं होता। इसलिए खुतबा को भी जो अपने आप को वारिस नबवी कहते हैं, कभी भी बेकाबू नहीं होना चाहिए, कभी भी अखलाकी हुदूद को उबूर नहीं करना चाहिए। अपने शियारे खिताबत में सुन्नत मुस्तफा को पेश नजर रखना चाहिए। इसके बाद मसला पटना में एक मीडिया के सेमिनार में गया कि मस्जिद को मुआशरे के रिफॉर्म के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो एक तालिब कहने लगे कि लोग आते नहीं, आते खुतबे के वक्त हैं, हम क्या करें? तो मैंने कहा कि हुजूर आप लोगों को डिलीवर क्या करते हैं? अगर आपने स्टेरियोटाइप की तकरीरें हर जुमे करनी है, तो हमारे बीसी साहब को वैसे ही याद हो जाती है अगर ये जाते हैं, तो फिर ये कहेंगे कि भाई खुतबे के बाद जाओ नमाज पढ़ो। तो इसलिए आपके मजामीन में तलब्बु होना चाहिए। आप इंग्लिश मीडिया नहीं पढ़ते, वहाँ लोग यही तरकीब करते हैं कि आप मुआशरे की खराबियों की निशानदेही नहीं करते। और जो हमारे मुख्तलिफ मसाले के तब्दीली लोग हैं, उन कहते हैं ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसी को बुरा कहते हैं, इसलिए ये कहीं भी चले जाए या अगर तलबीन भी जाए तो वहाँ भी कहेंगे ठीक है करते रहो। क्यों? कि बात तो तब बनेगी जब आप शर का रास्ता रोकेंगे, बात तो तब बनेगी जब आप बुराई पर टोकेंगे, बात तो तब बनेगी जब आपके अंदर जुरत पैदा होगी। हदीस पाक में है कि अल्लाहु ताला ने मलकिन इक्रिम मदीना कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, अल्लाह फरिश्ते से फरमाते हैं कि फलां बस्ती को उसके रहने वालों समेत उलट दो। फरिश्ता अर्ज करता है कि नफीही रजुलन लम यासिकता फतैन, या अल्लाह इस बस्ती में एक बड़ा वली है, बादशाह है, नेक बंदा है, अल्लाह अल्लाह करता है, एक पलक झपकने की मकदार भी तेरी नाफरमानी नहीं थी, उसके बारे में क्या हुक्म है, उसको बचा लिया जाए। तो हदीस में आता है कि हुक्म होता है कि इक्लिम अलैहि व अलैहिम, उस समय इस बस्ती को उलट दो, इन्नहु लम यतमहर फिया कत्त, कि जब उसके सामने मेरी हुदूद को पामाल किया जा रहा था तो उसकी जमीन पर तो कभी शिकंद गुजार नहीं, उसको कोई गैरत दीनी और हमीयत दीनी का मुजाहरा उसने नहीं किया। इसलिए इस्लाम को जोगी नहीं चाहिए, इस्लाम को मुजाहिद चाहिए, जो मैदान अमल में खड़े होकर अपने वक्त के शर के सामने
सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो। हाँ, उमैया ने सालहा कुशली से पूछा कि ये जो अल्लाह फरमाता है कि ला यदुरुकुम मन दल्ला इज़ा हदैतुम, कि अगर तुम खुद हिदायत पर हो तो तुम्हें किसी का गुमराह होना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, तो मैंने समझा कि इसका माना तो यही हुआ कि तुझको पराई क्या पड़ी अपनी न बैठ तू, बस अपने भले की सोच, लोगों को उनके हाल पर छोड़। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो सालहा खुशनी ने फरमाया कि साल तो अनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस में है कि खबीर कि मैंने इसके बारे में अल्लाह के रसूल से या कायनात के सबसे बड़े बाखबर शख्स से पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमें मुआशरा तबाह होता रहे और अलग थलग रहना चाहिए? हुज़ूर ने कहा भले तमिल बिल मारूफ अतनाहु अनिल मुनकर, नहीं तुम नेकी का हुक्म देते चले जाओ, बुराई से रोकते चले जाओ, यहां तक कि ऐसा वक्त आ जाए कि हत्ता इदा रईतुम शुहन मुतान, के कमीनों को लीडर बनाया जा रहा है, और दुनिया मुक्सरतन, और दुनिया को दीन पर तरजीह दी जा रही है, और हर शख्स अपने आप को अकले कुल समझकर अपनी बात पर अड़ जाता है, हक कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया कि इतना मुश्किल वक्त आ जाए तो फाले नफ्सक, फिर अपने आप को बचाओ, और दहिल अवाम लोगों को छोड़ दो, क्योंकि फरी फिर नवाला के अय्याम सब्र, अब तुम्हारे पीछे सब्र के दिन हैं, अब दीन पर चलना इतना मुश्किल है जैसे आग के खोल के अंगारे को मुट्ठी में पकड़ना। मेरे आका ने फरमाया कि उस वक्त जो दीन पर कायम रहेगा और अमल करेगा, वलहू अजरु खमसीन रजुला, उसे 50 आदमी के बराबर अजर मिलेगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक बयान करते हैं, किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दौर के 50 अफराद के बराबर? फरमाया नहीं, तुम्हारे 50 अफराद के बराबर। इससे मालूम हुआ कि दीन के लिए जितनी मुश्किल आएंगी और उस मुश्किल दौर में जो दीन पर कायम रहेगा और जमा रहेगा और डटा रहेगा, तो उसका मकाम भी अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद है। इसी हदीस पाक में है कि हुजूर से पूछा गया कि मन अशद्दुन नास हुब्बन लक या रसूल अल्लाह, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सबसे बड़ा मुहिब और सबसे बड़ा आशिक कौन है? तो अकल में तो ये आता है कि हुजूर को रफा राशिदीन का नाम लेंगे, अशरफ मुबशरत लेंगे, सहाबा इकराम करेंगे। फरमाया कि नहीं, नासून यकूर मिन बराई, ये वो लोग हैं जो मेरे बाद में आएंगे, लम यरूनी, उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन तमन्ना करेंगे कि अपनी जान और माल और जितनी मताए कायनात है कुर्बान कर दें और आखिर के दीदार किए जलद नसीब हो जाए। इसे उन्होंने कहा कि क्यों बान रवानी मामन अभी बशारत हो उसके लिए कि जो मुझे देख कर मुझ पर ईमान लाया, और तू सबा मर रहा यरनी आमन अभी, और मुझे दिल देख के जो मुझ पर ईमान लाया उसके लिए सात बशारतें। इसलिए जाने ग्रामी आप हज़रात की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। दूसरी बात यह मेरे कृपा किनारे का जलसा दस्तारे फजीलत था, तो मैंने कहा कि भी अगर मेराजुल नबी पर तकरीर करनी हो तो वक्त का शेखुल गुल हो, शेखुल हदीस हो, खतीबुल असर हो, मुझ जैसा कोई आज ऐसा बंदा हो,
वो भी आप बैठ जाएगा और कहेगा सुभान कहिए, रुकता लजी कहिए है, रमजू कहिए है, लोग नारे लगाएंगे। लेकिन अगर उससे ये कहा जाए कि आप लेन देन के मामले पर आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करें तो आपको 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए दीन को रिलेट करो, हमने दीन को इररिलेवेंट कर दिया है, लोगों की अमली जिंदगी से लातअल्लुक कर दिया है। आज के दौर में जो इस्लाम के को चैलेंज दरपेश है, लिबरलिज्म का चैलेंज है, वो लिखते हैं कि अब ये लिबरलिज्म हमारा अकीदा बन चुका है। पहले मगरब, पहले उनके नजदीक एक थ्रेट सोवियत यूनियन था। उनका फलसफा ये है कि कौम को मुतहर्रिक, तवाना और जिंदा रखने के लिए सामने एक खतरा होना चाहिए, हकीकी हो या मोहूम हो। तो सोवियत यूनियन का खतरा तो हकीकी था, लेकिन जब सोवियत यूनियन निजाम हो गया, तहरीर हो गया, खत्म हो गया, तो उन्होंने सोचा कि अपनी कौम को, अहले मगरिब को, अपने लोगों को मुतहरिक करने के लिए नया खतरा कर पेश करें, तो उन्होंने इस्लाम को मोहूम खतरा बनाकर पेश कर दिया। चुनांचे 90s के बाद और 9/11 के बाद उन्होंने सारे फतवे इस्लाम और मुसलमानों पर चश्मा कर दिए, टेररिज्म, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, हेट्रेड, जितनी ये अदबी गालियां हों उन्होंने सब इस्लाम और मुसलमानों में चश्मा कर दिया। क्या खतरा मुसलमान है। इसलिए मगरिब में किताबें लिखी जा रही हैं कि मुसलमानों से हमारी तहजीब को खतरात लायक हैं। इसलिए अब मगरिब में ये जो ट्रंप का दौर गुजरा है, रेसिज्म और फासिज्म सर उठा रहा है। खुद यूके में देखें तो वहां पर भी रेसिस्ट पार्टी मौजूद है। नेशनल पार्टी अभी इख्तदार में नहीं आई, अभी फ्रांस में जीतते जीतते वो रह गए हैं। यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक हैं वो 80 हैं, और अमेरिका में तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ी फजा पैदा कर दी है, और जिस तरह हालात जा रहे हैं कोई वहीद नहीं कि आइंदा इलेक्शन में वो दोबारा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आ जाए। अगर मौजूदा अमेरिकन सिस्टम इस फितने को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सकता, फिर जो तारकीन वतन हैं उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है, इस वक्त हाल ही है कि हम अपोलोजेटिक हो गए हैं, यानी हम इस्लाम के लिए ताकत के साथ दिफा नहीं करते। अभी जैसे हमारे मुल्क में एक वाकया हुआ, तो सब जितना हमारा लिबरल मीडिया है वो इस्लाम पर अटैक करेगा। एक वाकया हो जाए तो बाहर की दुनिया तो कुछ कहे या ना कहे, हमारे जो 50 चैनल हैं ये मुसल्ला होकर आ जाएंगे सामने। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम के दाई को, मुबल्लिग को, मुजाहिद को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, माजरत ख्वाहाना रवैया नहीं रखना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये कुव्वत बंदूक की गोली की नहीं होनी चाहिए, ये कुव्वत दलील और इस्तदलाल की होनी चाहिए, और ये कुव्वत आपको मुताले से आएगी। और जो सबसे बड़ी आफत हमारे यहाँ ये है कि किताब से ताल्लुक खत्म हो गया है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये चीजें आई हैं, इन्होंने किताब से ताल्लुक को तोड़ दिया है। लेकिन मैं जब भी मगरब में सफर करता हूँ, किसी फ्लाइट में या किसी जगह स्टेशन पर बैठा हो, तो वहां नौजवान नस्ल के हाथ में कोई ना कोई किताब नजर आती है। फ्लाइट में बैठे होंगे तो किताब पढ़ रहे होंगे। हमारे यहाँ अब ये कल्चर मफकूद होता जा रहा है, और ये यूनिवर्सिटियों के लिए भी अलमिया है,
हमारे लिए भी अलमिया है कि हमारा मिशन ये होना चाहिए कि लोगों को परंपरा के लाभ की तरफ लाएं, और ये अल्लाह की सुन्नत भी है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि अल्लाह ताला ने अपने मिशन को किताब से ताबीर किया है, मक्तूब से ताबीर किया है, मलफूज और मंतूब की अहमियत बहुत है लेकिन मक्तूब की अहमियत अब भी सबसे ज्यादा है, इसलिए अल्लाह का कलाम आज भी लोहे महफूज पर मक्तूब है। तो आपने लोगों को के अंदर किताब बीनी का ज़ौक पैदा करना है, मुताले की तरफ लाना है, तालीम की तरफ लाना है, और ये मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को और उलमा को, मदारिस को, मसाजिद को मिलकर इस मिशन की तकमील करनी चाहिए और एक रिवाइवल और इहया की तहरीक बरपा करनी चाहिए। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि इस दौर में भी हम नाउम्मीद नहीं हैं, मुझे यहाँ पंजाब का मालूम नहीं है मिसी साहब, लेकिन हम कराची में मस्जिद में जाते हैं तो बड़ी तादाद नौजवान हैं मिलती हैं। इसलिए मैं अपने उलमा से कहता हूँ, पर हुजूर ने फरमाया था कि सदकुल युज़िलुहुल्लाहु यौमल क़ियामा यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, के सात किस्म के तबकात ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह ताला क़ियामत के दिन अपनी रहमत का खुसूसी साया फरमाएगा, जबकि उसके साहिबान रहमत के सिवा कोई जाय पना नहीं होगी। और उसने दूसरे दर्जे में फरमाया कि शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, के वो नौजवान जिसने उनफुआने शबाब में अपनी जिंदगी अल्लाह की बंदगी में गुजारी हो, उनसे अल्लाह के रसूल को प्यार था और उलमा को भी उनके साथ जुड़कर रहना चाहिए। मैं तो कहा करता हूँ कि मेरे बस में हो तो मैं मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊँ और जो नौजवान आए उसको मैं बात कहना हूँ कि आज जब के स्मार्ट टेलीफोन, आज जब के इंटरनेट, आज जब के लैपटॉप, आज जब के तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया ये शैतान के जाल की तरफ फैले हुए हैं, तो इन हालात में जो नौजवान चलकर दीन की तरफ आते हैं, मैं उनको और उनकी माओं को सलाम करता हूँ कि जिनकी गोद में ऐसे बच्चों ने तालीम पाई है, ज़्यादा आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि घरेलू माहौल की इस्लाह के लिए भी एक तहरीक बरपा करना। अगर इसमें हम कामयाब हो जाएंगे तो आरजी तनाज़ुल तो है लेकिन इंशाअल्लाह ये तनाज़ुल दायमी नहीं होगा, और एक वक्त आएगा इस्लाम का फिर नशत और लहजत और रेनेसेंस और उरूज का ज़माना मिलेगा। अल्लाह करे कि हम अपनी ज़िंदगी में वो लम्हात देख सकें। वमा अलैया इल्लल्लाह। इस्लाम को जो भी नहीं, इस्लाम को मुजाहिद चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हाजीन से मुखातिब थे। पास किया मैंने पूछा कि आप जो अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो आपकी साइंस क्या होती है? उससे कहा कि हमारी मार्केटिंग साइंस ये होती है कि हम जो एड बनाते हैं तो इस अंदाज से बनाते हैं जो इसे देखे, जो इसे सुने, हम उसे ये दावा कराते हैं कि इसको खरीदना तुम्हारे फायदे में है, नहीं खरीदोगे तो नुकसान में रह जाओगे। तो हम भी तो मार्केटिंग एजेंट हैं अल्लाह के दीन के, हमने अपने आप को पेश किया है, तो क्या हमने इस दौर के इंसान